दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन एट प्ले ऐसे के बारे में जो कि लिखा गया है रूमर गोडन के द्वारा। और इस ऐसे में एक लड़की है जिसका नाम हैरियट है और ये 50% चाहती है कि वो बच्ची रहे और 50% हैरियट चाहती है कि वो बड़ी हो। हैरियट दोस्तों ये जानना चाहती है कि वो बड़े होने पर क्या बनेगी और वो लोगों से भी पूछा करती है कि वो बड़े होने पर क्या बनेंगे। तो जिस फैमिली में हैरियट रहती है उस फैमिली में एक कुछ बच्चे हैं नैन बी विक्टोरिया और बॉगी। दोस्तों जो बॉगी है वो हैरियट का छोटा भाई है। तो हैरियट सभी से पूछती है कि वो बड़े होने पे क्या बनेंगे। तो विक्टोरिया कहती है कि वो बड़े होने पे एक रेड क्रॉस नर्स बनेगी। तो बी बताती है कि वह एक कवि बनेगी। तो इसी पे फिर हैरियट बताती है कि मैं तो एक नन या डॉक्टर बनूंगी। नन का मतलब दोस्तों धार्मिक परिचारिका होता है। तो जो हैरियट है वो ये भी कहती है कि वह एक महान डांसर और महान एक बहुत ग्रेट पॉलिटिशियन भी बनना चाहती है और भाषण देना उसे बहुत पसंद है, वो भाषण देना भी चाहती है। तो फिर हैरियट पूछती है बी से कि क्या वह एक एक्ट्रेस डॉक्टर या नर्स बनेगी। तो बी कहती है कि मुझे अभी कुछ पता नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं वेट करूंगी। तो फिर नैन से वो पूछती है तो नैन एक बिना मतलब उसने ध्यान नहीं दिया था उसके क्वेश्चन पे, तो वो रफू का कार्य कर रही थी, रफू का काम कर रही थी, तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि मुझे जो भी बनना है मैं बन जाऊंगी। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछती रहती थी और सभी को अपने फ्यूचर के बारे में जानना था। वो लोग कंफर्म नहीं थे कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। सब डेली वो लोग सभी बच्चे एक दूसरे से इस तरह से बातें करते रहते थे। तो जो हैरियट थी दोस्तों वो बहुत ही एम्बिशियस लड़की है और वो अपने पेरेंट्स और सभी बच्चों से और अपने पड़ोसियों से कुछ नया करना चाहती है, कुछ अलग है, वो लड़की अलग है थोड़ी। और एक एम्बिशियस होने के कारण उसे अपने परिवार में वो खुशी नहीं है, उसे अपने परिवार में अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है कि जो उसका उसकी फैमिली है उस वो मतलब वो एक ऐसा घर है, उसका जो घर है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी पागल हो जाए। और जो उसके फादर थे वो हमेशा बिजी रहते थे और उसकी मॉम जो थी वो घर के कामों में बिजी रहती थी। उनकी मॉम का एक बेबी भी होने वाला था तो जिस कारण उन्हें कोई परेशान नहीं करता था और हैरियट को वो दोनों टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि वो उनकी मॉम एंड डैड दोनों बिजी रहते थे। जो नैन थी दोस्तों वो नैन तो अपने में मस्त रहती थी हमेशा और जो बी है वो थोड़ी बड़ी थी हैरियट से तो उसने अपने आप को हैरियट से थोड़ा सा अलग कर रखा था। तो दोस्तों जो बी है, बी की एक फ्रेंड भी है वैलरी जो कि नदी के उस पार रहती है। तो बी अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़्यादातर टाइम जो था उसका वो अपने अपने फ्रेंड वैलरी के साथ गुजारती थी, स्पेंड करती थी। तो और जो हैरियट का छोटा भाई था बॉगी वो चाहती थी अपने भाई के साथ खेलना, लेकिन जो बॉगी था बहुत छोटा था तो वो अपने तरीके से खेलता था, उसे खिलौनों के साथ खेलना पसंद नहीं था। वह जिंदा छिपकलियों और घासों में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके साथ खेलना पसंद करता था। और वो उसका जो फेवरेट गेम था बॉगी का वो गेम ये था कि वह बगीचे में मतलब आँख अपने बंद करके और बगीचे के चुपचाप चक्कर लगाना उसे बहुत पसंद था। तो इस तरह से जो हैरियट थी उसकी बहुत अकेला महसूस करती थी, उसके माता पिता बहुत बिजी रहते थे और नैन अपने में मस्त रहती थी, बी जो थी वो वैलरी के साथ अपने टाइम स्पेंड करती थी, बॉगी जो था बहुत छोटा था। तो हैरियट बहुत अकेली हो चुकी थी और अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो सीढ़ियों के नीचे कभी होल में बैठ जाती थी। कभी होल का मतलब दोस्तों होता है जो चारों ओर से घिरा छोटा सा स्थान होता है उसे कभी होल को बोलते हैं, स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस। तो वहाँ पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करती थी। उसके घर के पास एक जेटी थी, जेटी का मतलब दोस्तों जहाज के ठहरने का स्थान होता है। तो नाव जो नहाव थी उसके रुकने का स्थान था उसके घर के पास ही, तो कभी कभी वहाँ पर चली जाती थी वो और बैठ जाती थी और देखा करती थी कि नदियाँ बह रही हैं
और नदियों के बहने की आवाज़ उसे उसके कान में सुनाई देती थी। वो सुनती थी और देखती थी कि पक्षियाँ उड़ रहे हैं और हवा चल रही है और सूर्य की किरणें उसके चेहरे पे पड़ रही है, उसके सूर्य की किरणें आ रही हैं। तो वो सब देखा करती थी और सोचती रहती थी कि अपने भविष्य के बारे में सोचती रहती थी। और कभी कभी उसी के घर के पास एक कॉक ट्री था दोस्तों, तो कभी कभी अपने खाली समय में वो वहाँ पर भी चली जाती थी और कॉक ट्री के नीचे भी बैठी रहती थी, अपने खाली समय को स्पेंड करती रहती थी और वहाँ पर भी बैठ के सोचा करती थी कि वो अपने फ्यूचर में क्या बनेगी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करती थी। तो वो अपने फ्यूचर को जानने के लिए वो और सभी बच्चे मिलकर एक गेम भी खेला करते थे दोस्तों। वो गेम ये था कि वो एक जादू का खेल खेलते थे। जादू का खेल दोस्तों इस तरह से था कुछ कि हैरियट उबलते हुए पानी में टीन से जस्ते से बने टीन के टुकड़े को डाल देती थी और वो गर्मी से जब मुलायम हो जाते थे तो उन्हें चम्मच से बाहर निकाल लेती थी और ठंडी प्लेट में रख देती थी। और जब वो ठंडे होके कड़े हो जाते थे तो वो एक कोई जिस प्रकार की आकृति ले लेते थे, जिस प्रकार का शेप ले लेते थे, तो बच्चे उससे अपने भविष्य को पता लगा लेते थे। तो इस तरह का एक जादू का खेल सभी बच्चे मिलकर खेलते थे अपने भविष्य को जानने के लिए। तो दोस्तों दिवाली के 3 सप्ताह के बाद, आफ्टर 3 वीक्स ऑफ दिवाली, संडे के दिन वैलेरी हैरियट के घर आती है। दोस्तों वैलेरी वही है जो बी की फ्रेंड है। तो वो हैरियट के घर आई हुई है संडे के दिन और कैप्टन जॉन भी वहाँ पर आए हुए हैं। कैप्टन जॉन दोस्तों काफ़ी मतलब ज़्यादा जिक्र नहीं है इस हिस्से में कैप्टन जॉन के बारे में। तो कैप्टन जॉन को आप इतना समझ सकते हैं कि वो शायद हैरियट के फादर हैं जो उनके साथ फ्रेंड होंगे। तो कैप्टन जॉन और वैलेरी हैरियट के घर आए हुए हैं। तो वैलेरी कैप्टन जॉन से कहती है कि वो उसके लिए जादू का खेल खेले। तो कैप्टन जॉन जादू का खेल खेलते हैं। तो वैलेरी चाहती है कि उसे सेकंड चांस भी मिले, लेकिन जो कैप्टन जॉन है वो सेकंड चांस कहते हैं कि नहीं, अब सेकंड चांस हैरियट को मिलना चाहिए। तो हैरियट तो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती ही थी। तो हैरियट पास आई और जादू का खेल खेला गया। दोस्तों जादू का खेल उसी तरह से खेला गया जिस तरह से पहले ये लोग बच्चे खेलते थे कि जस्ते से बने टीन के टुकड़े को उबलते हुए पानी में रख देते थे, डाल देते थे, फिर चम्मच से निकालते थे। उसी तरह से ये खेल दोबारा यहाँ पे खेला गया। तो यहाँ पर एक राम प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कि बच्चों के साथ अक्सर खेला करते हैं। वो हैं, उन्होंने मतलब इनके घर के सर्वेंट हैं और वो एक अंगीठी जलाते हैं और उस अंगीठी में पानी रख देते हैं। पानी जब उबलने लगता है तो उबलते पानी में वो लोग जस्ते से बने तीन के टुकड़ों को डालते हैं। तो जब जस्ता पिघल जाता है तो बर्तन में फैल जाता है। तो कैप्टन जॉन उसे चम्मच से बाहर निकाल लेते हैं और प्लेट में रख देते हैं। तो जब वो बाहर प्लेट में जब निकालते हैं तो वो गोल गेंद के आकार का ढल जाता है दोस्तों जस्ता। तो विक्टोरिया जो उसे देखती है, सारे सब लोग वहां पर देखने लगते हैं उसको। तो विक्टोरिया उसे देखकर कहती है कि ये तो गोल दुनिया की तरह लग रहा है। तो जो वहां पर नैन भी बैठी होती है तो नैन कहती है कि ये तो दुनिया का ग्लोब है। तो सभी उसको देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या है क्या है। तो जब वो ठंडा हो जाता है तो हैरियट उसे अपने हाथों में उठा लेती है और कल्पना में उसे उसमें समुद्र और बड़े बड़े भूभाग दिखाई देने लगते हैं। तो वो लेकिन उस हैरियट समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब है उसके लिए। तो दोस्तों ये रही हिंदी समरी ऑफ चिल्ड्रन एट प्ले। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं।